हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स पर। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ओनली ऑफ यू केस का, तो उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो थोड़ा दो क्वेश्चन आज और कर लेते हैं जिससे हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा लिखा स्टेटमेंट जो हमारा लिखा हुआ है ओनली ऑफ यू रैट आर रैबिट, ओके। All rabbit are horse, some rat are mouse। तो पहले हमें इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम कैसे बनता है? तो ओनली ऑफ यू केस का जो बना हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि ओनली ऑफ यू रैट आर रैबिट। तो ओनली ऑफ यू केस में हमने बताया है कि जैसे कि सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। तो सम तो यहां पर है, सम तो यहां पर है, सम रैट आर रैबिट हो चुका है। और सम नॉट कैसे होगा? तो हमने बताया था इसको क्रॉस कर दें, इसको आप क्रॉस कर दें। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये जो है रैट का वो रैबिट नहीं है, क्लियर है ये। और ये पार्ट जो है ये कभी रैबिट हो भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता ये। सेकंड क्या बोला जा रहा है? सेकंड है ऑल रैबिट आर हॉर्स, सभी जो रैबिट क्या है हॉर्स है। ये भी हमने बना दिया। फिर क्या है? सम रैट आर माउस, कुछ रैट क्या है माउस है। तो सम रैट आर माउस। देखिए हमें जो वेन डायग्राम बनाना होता है वो हमें मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाना होता है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो क्या है? मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम है, क्लियर है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या बोल रहा है। पहला कंक्लूजन है सम माउस आर हॉर्स, मतलब कुछ जो माउस है वो हॉर्स है। देखिए जो हमारा कंक्लूजन है पहला वो पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या हमारा? पॉजिटिव है। और जब भी कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो हमें बस वेन डायग्राम देखना होता है और वेन डायग्राम को देखकर आंसर बताना होता है, ठीक है। तो सम माउस और हॉर्स लिखा, तो सम माउस जो है माउस का रिलेशन हॉर्स के साथ हो रहा है क्या इस वेन डायग्राम में? बेसिक वेन डायग्राम में नहीं हो रहा है ना। तो अभी क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। ये आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेन डायग्राम में माउस और हॉर्स का कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है ये। और पॉसिबिलिटीज का चेक अभी नहीं करना है क्योंकि ये पॉजिटिव कंक्लूजन आपका है, क्लियर। सेकंड है नो रैबिट आर माउस, इसका मतलब है कि कोई भी रैबिट क्या है? माउस नहीं है। तो रैबिट आपका यहां पर है, माउस यहां पर है। अब देखिए अब यहां पर क्या हुआ है कि कंक्लूजन नेगेटिव है। कंक्लूजन क्या हो चुका है? नेगेटिव। तो जब भी कंक्लूजन नेगेटिव होता है तो हमें उसका पॉसिबिलिटी चेक करना होता है। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो यहां पर नो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ यहां पर? नो है। तो जब भी कंक्लूजन में नो लगा रहा है, तो नो लगा रहा है तो उसका पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं सम का। आपको जो चेक करना है वो चेक करना है ये। सम रैबिट कैन बी माउस, आपको यह चेक करना है। तो रैबिट और माउस का रिलेशन हो सकता है ना। तो कैसे हो सकता है आप बोलेंगे, सर कैसे बन सकता है? तो अगर हमने ये बना दिया कि मैंने लिखा है कि नो रैबिट आर माउस जो है ये कंक्लूजन है, तो हमने बोला था कि जहां भी नेगेटिव कंक्लूजन होता है वहां पॉसिबिलिटी उसका चेक करना होता है। इसका मतलब है कि कोई भी रैबिट माउस नहीं है। अगर 1% भी, 1% भी रैबिट माउस हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इस वेन डायग्राम में हमारा जो है रैबिट माउस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब देखिए ये जो पॉसिबिलिटी आपको बनाना है ऐसा बनाना है जिसमें स्टेटमेंट हमारा गलत ना हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें हम। ऐसा लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू रैट आर रैबिट, तो अभी भी ओनली अ फ्यू रैट आर रैबिट है। ऑल रैबिट आर हॉर्स, अभी भी रैट सभी रैबिट क्या है? हॉर्स है।
अभी भी क्या कुछ रैट जो है माउस है और कुछ रैबिट माउस भी हो रहा है, तो ये वेन डायग्राम हमारा सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है रैबिट और माउस का रिलेशन तो शो हो रहा है और ये क्या बोल रहा है कि नो रैबिट और माउस। तो आप कोई भी ऐसा एक वेन डायग्राम बनाएं जिसमें आप रैबिट और माउस का रिलेशन को दर्शा दें, तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर वो सही, ये बिल्कुल सही है, ये सही है आपका, सम रैबिट कैन बी माउस, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो जहां पर नो का आता है कंक्लूजन में, नो नेगेटिव होता है तो वहां हमें सम चेक करना होता है, और जहां पर सम नॉट होता है वहां पर ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करना होता है, और ये चेक करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। अब थर्ड में जाते हैं, थर्ड कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऑल रैट आर हॉर्स, सभी जो रैट हैं वो हॉर्स हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन होता है तो हमें वेन डायग्राम दिखना होता है, वेन डायग्राम देख के बताना होता है। तो ऑल रैट, तो सभी रैट हॉर्स हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं ना, वेन डायग्राम में कुछ ही रैट हॉर्स हो रहे हैं, कुछ ही रैट क्या हो रहा है, हॉर्स हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, इसको गलत कर देना है। अब इसका पॉसिबिलिटी नहीं चेक करना है अभी, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो तो पॉसिबिलिटी हमें चेक नहीं करना होता है, ये सिर्फ करना पड़ता है नेगेटिव के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग ओनली ऑफ व्यू पर करेंगे। ओके, देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ओनली ऑफ व्यू केस पर, ये क्वेश्चन है, यहां लिखा है एट लीस्ट सम बी इट सी। इसका मतलब है, देखिए एट लीस्ट का मतलब सिलॉक्स में, सिलोजिज्म में सम ही होता है, तो अगर एट लीस्ट के बाद अगर सम आता है तो एट लीस्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ओके, तो हम एट लीस्ट को क्या करते हैं, काट देते हैं, मतलब कि इसको हमने इस तरह से हटा दिया, अब एटलीस्ट तो है ही नहीं। अब क्या है, सम बी इज सी लिखा हुआ है, और मोस्टली का मतलब जो होता है ओसरलिज्म में सम ही होता है, मोस्टली का मतलब क्या होता है, सम होता है, और ओनली ऑफ यू का मतलब तो मैंने बताया है। तो हम पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो वेन डायग्राम क्या बनेगा, सम बी इज सी, देखिए सम बी इज सी बन चुका है, और इसका मोस्टली का मतलब भी सम ही होता है, तो सम सी इज एस, तो सम सी इज एस भी बना दिया हमने। अब क्या लिखा हुआ है, तो ओनली ऑफ यू एस इज पी, मतलब ओनली ऑफ यू एस के साथ लगा हुआ है ना, तो एस और पी में क्या होगा कि ओनली ऑफ यू में ये तो सम होगा, मैंने क्या बताया कि ओनली ऑफ यू का मतलब होता है सम और सम नॉट दोनों होता है, तो सम तो यहां हो चुका है, और सम नॉट कौन होगा, तो जो एस का जो बाकी पार्ट है उसको हमने क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या है, ये सम नॉट है, ठीक है, मतलब पूरा जो एस है वो कभी पी में नहीं आ सकता है, लेकिन पूरा जो पी है वो इसमें जा सकता है, एस में जा सकता है पॉसिबिलिटी में, क्लियर है ये। अब कंक्लूजन पे हम आते हैं, कंक्लूजन लिखा हुआ है सम एस इज नॉट पी, मतलब कुछ जो एस है वो पी नहीं है, तो कुछ जो एस है जो ये क्रॉस पार्ट है, क्रॉस पार्ट ये क्या है, पी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये पार्ट तो कभी भी पी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। सेकेंड जो है कंक्लूजन, सम पी इज नॉट एस, इसका मतलब है कि कुछ पी एस नहीं है, जबकि मैंने कुछ देर पहले बताया था, कॉन्सेप्ट देखिएगा आप मेरे फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताया था कि पूरा जो एस है ओनली ऑफ यू जो है वो एस के साथ है, मतलब पूरा एस पी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा जो पी है वो एस में आ सकता है, ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी में आ सकता है, क्लियर है। तो ये जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, गलत होगा, इसको हमें गलत कर देना है, क्लियर है ये। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था वो ओनली ऑफ यू पर बेस्ड था, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा उसको, अब हमने दो तीन क्वेश्चन उस पर किए हैं, तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो एक जनरल सा क्वेश्चन है, ओनली ऑफ यू केस नहीं है, ये भी देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन भी प्री में आपके आते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है कि ऑल बी इज एस, सभी बी क्या है, एस है, सम एस इज आर, कुछ एस क्या है, आर है,
और मोस्टली आर इज वाई, मोस्टली का मतलब मैंने बताया है कि मोस्टली का मतलब सिलॉक्स में वो सम ही होता है। तो पहले इसका वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। वेन डायग्राम क्या बोलता है? सम एस इज आर, ये भी बना लिया हमने। मोस्टली लिखा हुआ तो मोस्टली का मतलब भी। तो ये देखिए हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, देखिए कंक्लूजन ये क्या है, कंक्लूजन ये जो आपका ये पॉजिटिव में है। तो मैंने बताया कि जब भी कंक्लूजन पॉजिटिव में होता है तो हमें बस वेन डायग्राम देखकर बेसिक देखना होता है और बताना होता है। तो बोला गया सम वाई इज बी, मतलब कुछ वाई बी है। तो देखिए यहां पर वाई और बी में कोई रिलेशन तो वेन डायग्राम में तो नहीं है इसमें, और इसका पॉसिबिलिटी हमें चेक नहीं करना। अभी पॉसिबिलिटी तभी चेक करना था जिसमें नेगेटिव लगा होता है, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो y और b में रिलेशन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सम वाइज b क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि सम b इज नॉट r, मतलब कुछ b r नहीं है। और मैंने ये बताया भी है कि जहां पर सम नॉट आता है, जहां पर आपका सम नॉट आ जाए वहां पर आपको चेक क्या करना होता है, वहां में ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि लिखा हुआ कि कुछ बी आर नहीं है, मतलब बी कुछ बी का जो कुछ हिस्सा है वो आर नहीं है। अगर हम बी के सभी हिस्से को अगर आर बना देते हैं, अगर वो सही है मतलब ये गलत है, इसको हमें क्रॉस चेक करना होता है। अगर वो गलत है तो फिर ये सही होगा। तो आइए हम बनाकर देखते हैं। हमने लिखा है ऑल बी कैन बी आर, ये हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो सभी बी आर हो सकता है। तो भाई इसके लिए वेन डायग्राम पॉसिबिलिटी का बनाकर चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमने वेन डायग्राम बनाया पॉसिबिलिटी का, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी पॉसिबिलिटी का वेन डायग्राम बनाए तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबिलिटी के द्वारा जो वेन डायग्राम बनाया गया है वो गलत ना हो जाए, आपका स्टेटमेंट गलत ना हो, वो स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट ना करे उस वेन डायग्राम के द्वारा। जैसे अगर हमने बनाया कि ऑल बी इज एस, तो ऑल बी इज एस, देखिए ऑल बी इज एस अभी भी तो है, अभी भी तो सारा का सारा बी क्या है, एस के अंदर है। सम एस इज आर, अभी भी कुछ एस क्या है, आर में है, कुछ तो है ना। अब मोस्टली का मतलब ये सम ही होता है, तो सम आर इज वाई, अभी भी सम आर वाई भी है। और ये भी हो रहा है ना कि ऑल बी कैन बी आर, ये हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल सभी बी आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस डायग्राम से तो हो रहा है ना। तो कोई भी एक डायग्राम बनाए जिसमें आप ये इसको प्रूफ कर दें तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हो रहा है ये, तो ये बिल्कुल सही है, ऑल बी कैन बी आर क्या है, सही है। जब ये सही है तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। मैंने बताया है जब भी सम नॉट आए तो आप ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करें, ऑल का कैन भी चेक करें। अगर नो रहता है तो सम का पॉसिबिलिटी चेक करना होता है, नो रहे तो सम का पॉसिबिलिटी, और सम नॉट रहेगा तो ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करना होता है आपको, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। जब दोनों गलत है तो हमारा क्या होगा आंसर, हमारा आंसर होता है नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई सही नहीं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा ओनली वाला, ये ओनली ऑफ यू केस में हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे, अब बताएंगे ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली ए आर बी जैसा लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, उस कभी भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग जो लोग नए हैं इस चैनल पे हमारे जुड़े हुए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे वो सारा का सारा नोटिफिकेशन में मिलेगा और उनका एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा, आईपीएस प्री में हेल्प करेगा, एनटीपीसी में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। एनटीपीसी में भी क्वेश्चन सम नॉट वाले तो आ ही रहे हैं सिलॉक्स के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ये, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी जो है हमारी टेक्निकल टीम जो है उस पर लगी हुई है दिन पर अच्छा करने के लिए, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके आप सपोर्ट करें इसी तरह से अपना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।